वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का आगाज, आज के लेक्चर का आगाज हम एक एक्टिविटी से करते हैं। सपोज हमारे पास ये एक मार्कर है, मैं बच्चों इसको ऊपर फेंकता हूँ तो क्या होगा इसके साथ? जब मैं बच्चों इसको ऊपर फेंकता हूँ तो ये बोर्ड मार्कर क्या करती है, वापस नीचे आ जाती है। जब मैं इसको और ज्यादा एनर्जी के साथ ऊपर फेंकूंगा तो ये और ज्यादा ऊपर जाएगी और थोड़ा टाइम लेने के बाद नीचे आ जाएगी। अगर बच्चों मैं इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूं, इतनी जोर से ऊपर फेंकूं कि ये वापस आने की बजाय जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, तो हम क्या कहेंगे? हम बल्कि ऐसे कह सकते हैं कि ये जो बोर्ड मार्कर है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर गई है, निकल गई है। तो अब एस्केप का वर्ड आ गया, यही हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? एस्केप वेलोसिटी। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है, आप टाइटल में भी देख सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी बेटे नाम से जाहिर है फरार होना, या आप कह लेंगे निकालना किसी चीज को कहीं से। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी विद विच बॉडी गोज आउट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। सपोज डियर स्टूडेंट, आपके पास ये अर्थ है, अब इस अर्थ से ये बॉडी अभी जो है जमीन की सरफेस पे मौजूद है, इसका मास m है। मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर को फेंकता हूँ या हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, उस फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे बच्चो अगर मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे ऊपर, ये आपके पास पॉइंट है इन्फिनिटी, इसको उठा के मैं यहां तक ले आता हूं इस मैस को। अब यहां तक लाने के लिए जो हमें इसको मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इतने डिस्टेंस तक लेके जाने के लिए कि ये बॉडी जो है ये जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, उस वेलोसिटी को डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब देखें, जब मैंने इसको यहां से एनर्जी प्रोवाइड की, डेफिनेटली इसने मोशन की, तो मोशन की वजह से एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। आइए जरा हम इसका मैथमेटिकल वर्क करते हैं, मैथमेटिक्स इसकी करते हैं जी, मैथमेटिकल स्टेप्स कह लें या मैथमेटिकल फॉर्म कह लें इसकी। अब इसमें बेटे कौन सी चीज इन्वॉल्व हुई है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी का स्केयर, और वी कौन सी है यहाँ पे? स्केयर। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, क्या इन्वॉल्व हो रही है? काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। अब जरा यहाँ पे देखें, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, ये अभी पिछला टॉपिक हमने पढ़ा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से किसी पॉइंट से पॉइंट ऑफ इनफिनिटी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा देखिए, अगर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, या हम कहते हैं कि वो वर्क डन बेसिकली हमने किया है, वो वर्क डन यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ पे जो होता है, वो जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसको, सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी होगी? लास्ट लेक्चर में आपको बताया है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पे बच्चों इसको इनिशियल कह लें आप, ये डियर स्टूडेंट आपके पास होगी कितनी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। आर यहाँ पे क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ होगा। अब जब आप बॉडी को इनफिनिटी पे ले जाएंगे तो इनफिनिटी पे ये क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो आप कह लेंगे कि एट इनफिनिटी या फाइनल जो होगा वर्क या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट इनफिनिटी, वो बेटे क्या हो जाएगी आपके पास? जीरो। अब यहाँ पे जो चेंज आया है, चेंज इन एनर्जी आप निकाल सकते हैं। चेंज कैसे आप निकालेंगे? यहाँ पे चेंज इन एनर्जी आएगी फाइनल माइनस इनिशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल क्या है? जीरो। माइनस इनिशियल क्या है? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। ले जी, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये चेंज निकालने की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास आ गई जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर, ये आपके पास आ गई चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जो आपकी बॉडी को या मैस को यहाँ से सरफेस पर से ऊपर इन्फिनिटी तक ले जाने में लगी है। अब हमने फाइंड क्या करनी है? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों को बराबर रख के, नाउ काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की बच्चों, हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर ले ली। अब यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट, मैथ से मैथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये टू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी का स्केयर आ जाएगा 2g कैपिटल m ओवर r। ठीक हो गया जी। अब आपको भी स्केप चाहिए, आप दोनों तरफ क्या ले लें, इसका स्केयर रूट ले लें, वी स्केप आ जाएगी जी अंडर रूट 2g कैपिटल m ओवर कैपिटल r। अब इस फार्मूले को गौर से देखिएगा, इस फार्मूले में बच्चों मैस ऑफ दी बॉडी या मैं ऑब्जेक्ट बेटे यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी है डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये एक एमसीक्यू वाला पॉइंट है, इसको नोट फरमा लें, एस्केप वेलोसिटी ये एमसीक्यू है, डज नॉट डिपेंड ऑन किसके ऊपर, मैस ऑफ सैटेलाइट कह लें या जो आप सैटेलाइट भेज रहे हैं या जो भी ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एमसीक्यू के लिए आप इस पॉइंट को बेनिशीन फरमा। अब जी आपके पास ये स्केप वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये दो मैसेज हैं, ये आप कह रहे हैं मैस ऑफ कैपिटल एम होगा, ये इसका स्मॉल एम होगा, तो आप यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये मेन फार्मूला है, इसको आप कह लें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होती है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर का स्क्वायर। अब फोर्स क्या है यहाँ पे, आप जानते हैं वेट की फोर्स होती है एम जी के बराबर, ये होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। एक ये मैस जो है वो मैस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ गई जी एम ओवर आर स्क्वायर। हम डियर स्टूडेंट्स इसको पुट कर सकते हैं जी इक्वल टू जी एम ओवर आर मल्टीप्लाई आर, सही हो गया। अब आपके पास आप क्या करें, हमें ना हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली जी एम ओवर आर, ये था जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक आर को इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जी आर आ गया जी एम ओवर आर, नोट डाउन दैट पॉइंट। अब यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर आप जी एम ओवर आर की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं जी आर की, मतलब जी एम ओवर कैपिटल आर इज इक्वल टू जी आर, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, वी स्केप आ गई जी अगर टू जी एम ओवर आर की जगह क्या आ जाएगा जी आर ले लीजिए स्टूडेंट, ये आपके पास जो है वी स्केप या स्केप वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। अब अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ फोर्स यहाँ पे जी की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये एमसीक्यू है आपके पास वी स्केप की जो वैल्यू है बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब क्या है कि अगर ये मैस को इतनी वेलोसिटी आप प्रोवाइड करें पर सेकंड, तो ये मैस अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से स्केप कर जाएगा, इसको बोलते हैं बच्चों स्केप वेलोसिटी, ये अर्थ की है। इसके अलावा आपकी बुक में साइड पे टेबल दिया हुआ है, उसमें तमाम चीज़ों की कुछ चीज़ें हैं जिनकी एस्केप वेलोसिटीज बताई गई हैं, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं। आपके पास मून की दी हुई है, मरकरी की दी हुई है, मार्स वीनस अर्थ यूरेनस नेपच्यून सैटर्न और जुपिटर, ये बेटे कोई भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।